लेट्स स्टार्ट नाउ. कहाँ पे थे अपन? विद एक बार रिकैप लेना है क्या? विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट? यस, चलो एक रिकैप लेते हैं. पेज नंबर बता जरा आयशा नोट्स का. चलो मिल गया, मिल गया. हाँ नहीं, 231. क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में? बैग कंटेन्स 4 व्हाइट. एक रिकैप लेते हैं विद रिप्लेसमेंट का. ओके, बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 5 ब्लैक सॉक्स. बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक सॉक्स. If two socks are selected one by one, what is probability that both are black? If selection is with replacement and without replacement, दोनों. तो फिर क्या collection है आयुषा तेरे पास? मस्त लगा पर वो मुझे. हाँ correct. Okay, so with replacement. And without replacement. तुम्हारे बैच में पर काफी मतलब अच्छे लोग हैं पढ़ाई में, नहीं तो फिर मे बैच में इतने अच्छे लोग नहीं रहते जनरली. दो मे बैचेस लिए ना मैंने, मेरा स्टार्टिंग ही मे बैच से हुआ है यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट इज योर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, है ना? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. What is probability that both are black? Both are black. With replacement मतलब क्या होता है वो? Independent events होते हैं, है ना? So probability of B1 intersection B2 is what? Probability of B1 into probability of B2. तो B1 क्या है फिर? 5C1 upon 9C1, है ना? पहले withdrawal में black आया, दूसरे विड्रॉल में भी ब्लैक आया, मतलब 5C1 upon 9C1. तो कितना हो गया वो? कितना हो गया वो? ग्रुप पे इन्फॉर्म नहीं किया वो, मेरे क्लास का टाइमिंग नहीं पता तुझे? 25 upon 81. ठीक है, तो विथ रिप्लेसमेंट मींस व्हाट? वन बाय वन ब्लैक सॉक्स उठाए. विथ रिप्लेसमेंट मतलब मैंने क्या बताया था? दीज आर व्हाट? इंडिपेंडेंट. ओके, वो मेरे तुझे थोड़ा सा कल का अभी वीडियो रेफर करना पड़ेगा. ठीक है, so p of b1 into p of b2. तो p of b1 वन बाय वन उठा रहे अपन, है ना? सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं? वन बाय वन. सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं? वन बाय वन. विथ रिप्लेसमेंट मतलब उठाया फिर से रख दिया, फिर सेकेंड इसमें उठाया फिर से रख दिया. ओके, सो 5C1 upon 9C1, 5C1 upon 9C1, सो इट्स 25 upon 81. सेकेंड सेकेंड में क्या है? बोथ आर व्हाइट. ओके, बोथ आर व्हाइट में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. ओके, सो W1 पी ऑफ W1 इंटू पी ऑफ W2, करेक्ट? पी ऑफ W1 इंटू पी ऑफ W2. तो पी ऑफ W1 क्या हो गया फिर? What is P of W1? 4C1. पहले withdrawal में मैंने ball उठाया, पहले withdrawal में मैंने ball उठाया, फिर से रख दिया. So 4C1 upon 9C1. दूसरे withdrawal में फिर से ball उठाया, फिर से रख दिया. 4C1 upon 9C1. It is what? 16 upon 81. Understood? Okay. Any doubt? Which problem है? नेक्स्ट में फर्स्ट इज व्हाइट, सेकेंड इज ब्लैक. ओके, फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक. ओके, फर्स्ट इज व्हाइट, सेकेंड इज ब्लैक. सो पहले विड्रॉल में व्हाइट उठाया तो क्या हो गया? 4C1 upon 9C1, है ना? पहला कंपल्सरीली व्हाइट चाहिए, दूसरा कंपल्सरीली ब्लैक चाहिए. सो फर्स्ट विड्रॉल में क्या? व्हाइट आया. सो 4C1 upon 9C1.
सेकंड में क्या आया? ब्लैक आया, तो सेकंड में ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? यस 5c1/9c1। ओके कितना आया ये? 20/81। ठीक है, फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है? वन इज व्हाइट वन इज ब्लैक, क्या होगा फिर? अभी पहला व्हाइट आ सकता है, दूसरा ब्लैक आ सकता है, या फिर पहला ब्लैक आ सकता है, दूसरा व्हाइट आ सकता है, पहला व्हाइट आ सकता है, दूसरा ब्लैक आ सकता है, या फिर पहला ब्लैक आ सकता है एंड दूसरा व्हाइट आ सकता है। सो फर्स्ट इज व्हाइट 4c1/9c1। दूसरा ब्लैक 5c1/9c1। पहला ब्लैक 5c1/9c1। दूसरा व्हाइट 4c1/9c1। है ना? सो यहाँ पे हो क्या रहा है? बॉल उठा के फिर से अपन बैग में रख रहे हैं, बॉल उठा के फिर से अपन बैग में रख रहे हैं, है ना? तो इस वजह से अपना जो प्रोबेबिलिटी है, अपना जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, वो अफेक्ट नहीं होगा। ओके, बॉल फिर से बैग में रख रहे हैं अपन, तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अफेक्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके, तो कितना है फिर ये? 40/81। ठीक है ना? फिफ्थ वन, व्हाट इज फिफ्थ वन? Probability of getting at least one white. Okay, so probability of getting at least one white. कितने balls उठा रहे हैं अपन? दो उठा रहे हैं. At least one white मतलब एक white आएगा, दो white आ सकते हैं. तो क्या होगा फिर? एक white आया, दूसरा black आया. या फिर पहला black आया, दूसरा white आया. है ना? सॉरी, नेक्स्ट, दोनों व्हाइट, W1 and W2। तो यस क्या हो जाएगा फिर? P ऑफ W1 इनटू P ऑफ B2, P ऑफ B1 इनटू P ऑफ W2, P ऑफ W1 इनटू P ऑफ W2। ये बैग है, इसमें क्या है? 4 white 5 blank। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इन फर्स्ट विड्रॉल 4c1/9c1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक इन सेकंड विड्रॉल 5c1/9c1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक इन फर्स्ट विड्रॉल 5c1/9c1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इन सेकंड विड्रॉल 4c1/9c1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इन फर्स्ट विड्रॉल 4c1/9c1 and probability of getting white in second withdrawal 4c1/9c1 again. ठीक है, तो कितना आया फिर ये? 20+20+16/81। कितना आया? 56/81। ये क्या था? With replacement. Okay. अरे तुम लोगों का ये लॉ का टेस्ट था, मैंने सुना तुम लोगों ने डिच मारा फिर मैम को भी, तो बोले आने वाले हम लोग ट्यूजडे को। हाँ, ऐसे नहीं करते उमेर, तेरे से तो ये उम्मीद नहीं थी। चलो ठीक है, अभी क्या, मैंने कुछ नहीं किया। चलो नाउ इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट What is going to happen? Without replacement में क्या होगा? Ball उठा के अपन side में रख रहे हैं, है ना? Ball अपन उठा के side में रख रहे हैं, okay? तो देखो फिर, without replacement में पहला question, both are black. Ma'am अभी क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, ma'am अभी आएंगे तब बताएंगे ना, ma'am क्या बोलेंगे वो मुझे खुद नहीं पता।
आपको किसने बोला? आयुषा है मेरे सामने, मेरी फेवरेट स्टूडेंट. मेरे मेरे सामने आयुषा है. चलो, धोखा नहीं देती वो ऐसे तुम्हारी तरह. संतोष ने सबसे पहले धोखा देना स्टार्ट किया. चलो, सो बोथ आर ब्लैंक. सो बी वन इंटरसेक्शन बी टू, बोथ आर ब्लैंक. तो यस, बी वन इंटरसेक्शन बी टू कैसे होगा फिर ये? अभी ये कौन सी विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ये क्या होता है? डिपेंडेंट होता है. ओके, तो डिपेंडेंट के केस में अपन क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं फिर? डिपेंडेंट के केस में व्हाट एक्सप्रेशन वी राइट? पी ऑफ ए स्लैश बी, याद है ना कुछ? व्हाट इज दैट? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, है ना? ऐसा एक्सप्रेशन होता है. तो हम क्या करते हैं फिर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं p of b into p of a slash b. ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम लोगों को एक बार कॉमन सेंस वाला मेथड पता चलेगा कि मतलब बाय जस्ट बाय विजुअलाइजेशन अपन बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है. तो सबसे पहले फॉर्मूला वाला चीज बताती हूँ मैं, जरूरत नहीं है पर उसकी बिल्कुल भी. सो p of b1 into p of b2 slash b1. अब इसका मतलब क्या है? P of B1 मतलब पहले विड्रॉल में ब्लैक आने के क्या चांसेस हैं, है ना? फर्स्ट विड्रॉल में ब्लैक आने के क्या चांसेस हैं? तो फर्स्ट विड्रॉल में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पांच में से कोई तो भी एक बॉल आएगा, है ना? पांच में से कोई तो भी एक बॉल आएगा अपॉन 9c1, करेक्ट? यस, P of B1 into P of B1 is what? पांच में से कोई तो भी एक. B1 मतलब क्या है? पहले विड्रॉल में ब्लैक आना. B1 means what? Getting black ball in first withdrawal. That is B1. Okay. तो पहले विड्रॉल में ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5C1 upon 9C1. Okay. Into. अब B1 इवेंट हो चुका है. B1 इवेंट हो चुका है. ठीक है ना? तो B1 इवेंट हो चुका है मतलब बॉल बाहर निकल गया है, है ना? बॉल जो है इस ब्लैक में से एक बॉल बाहर निकल गया है. तो यहाँ पे कितने ब्लैक बॉल बचे? चार ब्लैक बॉल बचे. यहाँ पे एक ब्लैक बॉल बाहर अपन ने ले लिया पहले विड्रॉल में. तो अब सेकेंड विड्रॉल मतलब पहला इवेंट हो चुका है एंड ये फर्स्ट इवेंट हो चुका है तो उसके बेसिस पे अपन पी ऑफ बी टू फाइंड आउट कर रहे हैं. सही बात है ना? पहला इवेंट हो चुका है तो उसके बेसिस पे अपन सेकेंड विड्रॉल में ब्लैक बॉल आने के क्या चांसेस है वो अपन ढूंढ रहे हैं. तो सेकेंड विड्रॉल में ब्लैक बॉल आने के क्या चांसेस है फिर? अभी 4c1, चार में से एक आएगा ना फिर, तो 4c1 अपॉन 8c1, डन. हाँ करेक्ट, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है. आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपन बेसिकली कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं. That is what my intention is. कि मुझे बस तुम लोगों को बताना था कि ये multiply कर रहे हैं, मतलब अपन यहाँ पे compound probability का formula लगा रहे हैं. Since it is what? Dependent. कल ही मैंने explain किया था without replacement dependent क्यों है, with replacement independent क्यों है. Okay, ये चीज मैंने कल के class में बताई थी. तो कितना आया फिर ये? 20 upon 72. 20 upon 72. ठीक है, समझ में आया concept? Yes, easy है. Second, both are white. बताओ, both are white. Yes, both are white मतलब probability of W1 intersection W2, W1 into probability of W1 हो चुका तो अभी W2 का probability आएगा W1 के basis पे. ठीक है, तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है. Probability of getting first ball white आने की probability कितनी है? Yes, 4c1 upon 9c1.
इनटू, अब ये व्हाइट बॉल साइड में रख दिया अपन ने, अब व्हाइट बॉल कितने बचे, तीन। अब सेकंड में भी मुझे व्हाइट ही चाहिए बिकॉज उन्होंने बोथ आर व्हाइट बोला है ना, तो 3c1 अपॉन व्हाट, टोटल बॉल्स कितने अपने पास, 8, सो 3c1 अपॉन 8c1, अंडरस्टूड ना। सो कितना है फिर ये, 4 3 12 9 8 72 1/6। एक्चुअली फेस टू फेस में क्या होता है ना, मैं तुम लोगों को टाइम देती हूँ सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा ऑनलाइन में ऐसा होता है कि अरे चलो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ, अभी क्या फर्क पड़ता है ये बात होती है ये संतोष को नहीं समझता, संतोष को ऑनलाइन ही करना है, इधर ही रहता बाजू में, तब भी उसको उसको आना नहीं है, बाजू मतलब मनपा में रहता, लेकिन फिर भी चलो नेक्स्ट। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट सेकंड इज ब्लैंक, चलो बताओ इसका आंसर। फर्स्ट इज व्हाइट सेकंड इज ब्लैक, हाँ देख ले हो गया ना अपलोड, कल हो गया अपलोड, कर लिया मैंने पहला वाला लेक्चर अपलोड, पहले वाले दोनों अपलोड किए मैंने, चेक करो। हाँ कर दे लीव कर दे, एब्सेंट क्यों रहने का, फिर ऐसे ब्लैक बैकलॉग्स रहते। चलो W1 इंटरसेक्शन B2, सो यस, पहले पहले इसमें पहले विड्रॉल में व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4c1 अपॉन 9c1। अब एक बॉल आ गया बाहर, अब दूसरे विड्रॉल में ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, तुम लोग बता सकते हो दूसरे विड्रॉल में ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट, व्हाइट बॉल बाहर आया ना फर्स्ट विड्रॉल में, व्हाइट बॉल बाहर आया फर्स्ट विड्रॉल में, तो यहाँ पे कितने व्हाइट बचे, तीन व्हाइट बचे, एक व्हाइट बाहर, तो सेकंड इज ब्लैक, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5c1 अपॉन 8c1। ठीक है तो कितना है फिर ये, 20 अपॉन 72। ठीक है नेक्स्ट फोर्थ, वन इज व्हाइट वन इज ब्लैक, चलो बताओ इसका फ्रैक्शन, वन इज व्हाइट वन इज ब्लैक कितना आ रहा, सेवेंटी टू ना, हाँ करेक्ट, वन इज व्हाइट वन इज ब्लैक, सो पहले विड्रॉल में व्हाइट आया दूसरे विड्रॉल में ब्लैक आया, या फिर पहले विड्रॉल में ब्लैक आया दूसरे विड्रॉल में व्हाइट आया, तो क्या हो जाएगा फिर, पहले विड्रॉल में व्हाइट आया तो 4c1 अपॉन 9c1 इंटू व्हाइट बाहर बाहर रख दिया अपन ने, फिर यहाँ पे व्हाइट कितने बचे, तीन व्हाइट बचे, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो तीन व्हाइट बचे, तो क्या हो जाएगा, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर, 5c1 अपॉन 8c1 प्लस दूसरा केस क्या है अपने पास, पहले विड्रॉल में ब्लैक आया, तो पहले विड्रॉल में ब्लैक आया यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी, पहले विड्रॉल में ब्लैक आने की 5c1 अपॉन 9c1, तो ब्लैक अपन ने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 4 ब्लैक्स आ गए, अब दूसरे विड्रॉल में व्हाइट चाहिए अपन को, दूसरे विड्रॉल में क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 4c1 अपॉन 8c1। ठीक है तो कितना है, 20 प्लस 20 अपॉन 72 40 अपॉन
72. Okay, understood. Probability of getting at least one white. चलो कोशिश करो. ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी. हाँ करेक्ट. हाँ मतलब बेटर रहेगा विद और विदाउट. नहीं है कल का लेक्चर, नहीं है कल का लेक्चर. सिक्स इज लास्ट. लेट मी चेक. हाँ एक मिनट, एक मिनट. यस. So probability of getting at least one white, मतलब पहला white आया दूसरा black आया, पहला black आया दूसरा white आया, और अब दोनों white आए. ठीक है, तो पहला white आने की क्या probability है? Yes, यहाँ पे कितने हैं अपने पास? चार white and पांच black. तो first white आने की क्या probability है? 4c1/9c1. पहला व्हाइट निकाल के रख दिया, फिर ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5c1/8c1. पहला ब्लैक बाहर निकाला, 5c1/9c1. उसको बाहर निकाल के रखा दूसरे विड्रॉल में, 4. सो 4c1/8c1. दोनों व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4c1/9c1 and 3c1/8c1. probability 7 से ही है, देख ले एक बार. probability 7 से ही है, चेक कर ले एक बार. ना तो चाहिए यार अभी. probability 7 से जस्ट अभी किया मैंने तेरे बताने के बाद. ओके, सो इसका कितना आता है फिर? 52/72, है ना? डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बैग कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 4 व्हाइट सॉक्स. इफ सॉक्स आर ड्रॉन वन बाय वन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट 2 व्हाइट एंड नेक्स्ट ब्लैक, है ना? ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यस, विथ का एक मिनट. 6 ब्लैक एंड 4 व्हाइट सॉक्स. हाँ करेक्ट करेक्ट. 1/10. हाँ करेक्ट. बैग में क्या क्या है अपने अभी? 6 ब्लैक एंड 4 व्हाइट. 6 ब्लैक एंड 4 व्हाइट. क्या होगा फिर अभी? पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 2 व्हाइट एंड नेक्स्ट इज ब्लैक.
क्या होगा फिर, फर्स्ट टू आर राइट विथ एंड विदाउट. पहले दो अगर राइट है तो क्या होगा फिर, यस फोर सी वन अपॉन टेन सी वन इंटू फोर सी वन अपॉन टेन सी वन. नेक्स्ट इज ब्लैक तो सिक्स सी वन अपॉन टेन सी वन. कितना आया ये, 96/1000. एंड विदाउट में क्या होगा, विदाउट में साइड में रख देंगे अपन सॉक्स को. तो पहला वाइट आया, पहले वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4c1/10c1, उसको साइड में रख दिया. दूसरा वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3c1/9c1. एंड तीसरा ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यस दो वाइट तो गए ना, पहला वाइट साइड में रख दिया, दूसरा वाइट साइड में रख दिया, दो ही वाइट बचे अभी अपने पास है ना, टू वाइट्स और एक ब्लैक चाहिए मुझे, तो 6c1/8c1. तो कितना है फिर ये, 72 आ रहा है, हाँ करेक्ट, 72/720, सो इट्स 1/10. हाँ 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 तीन भी ड्रॉ किया ना बंदा है, तो तीन ही लेंगे अपन. ओके सो सेकंड इज, चलो बताओ जल्दी आंसर, ऑल आर व्हाइट सॉक्स, तीन व्हाइट सॉक्स लेने हैं, टोटल सिलेक्शंस तीन ही है. गर्मी जैसा सीजन लग रहा है ऐसा, मतलब लग ही नहीं रहा विंटर सीजन शुरू है. हाँ लेकिन फिर भी जैसे रहनी चाहिए वे उतनी नहीं होती, नहीं तो इंसान बाहर निकल नहीं पाता. इकोनॉमिक्स रहता अभी मैथ्स का कैसे ना डिपेंड करता, किसका मैथ्स कितना अच्छा है. मैथ्स अच्छा है तो बहुत स्कोर करते हैं, एवरेज है तो भी 60-65 हो जाता ऐसा. पर अकाउंट्स में नहीं देखा मैंने, इकोनॉमिक्स और इतनी देखा है मैंने ज्यादातर. लॉ में बिल्कुल नहीं कर पाते. मतलब अकाउंट्स मैथ्स इको तो भी मतलब एक लेवल पे मानूंगी मैं, लेकिन किसमें ज्यादा स्कोर कर पाते इससे अच्छा मैं बता पाऊंगी, किसमें नहीं स्कोर कर पाते ऐसा. बाकी डिपेंडेंट है सब्जेक्ट्स, पर जनरली जो टॉपर्स रहते हैं उनको अकाउंट्स मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं एवरी ईयर. लॉ को ना, हाँ एग्जैक्टली वही होता है, और स्टूडेंट्स वही मिस्टेक करते हैं, लॉ को बहुत लाइटली लेते हैं. सो यस ऑल आर वाइट, 3 आर ड्रॉन. तो उसके मैसेजेस अटेंडीज एंड पैरेंट्स से रहते क्या हमेशा? नहीं देखना. चलो सेटिंग करने के भी कष्ट नहीं लेता इंसान जिंदगी में एकदम. चलो ऑल आर वाइट मतलब कैसे होगा फिर, पहले वाइट आया ना, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट विल बी वाइट. वाइट आया साइड में रखा, अब क्या लिखोगे, 3c1/9c1. व्हाइट आया साइड में रखा, 2c1/8c1. तो कितना आया फिर, सॉरी ये विदाउट था, दिस वाज विदाउट. एंड अबाउट विथ, इट्स 4c1/10c1. 4c1/10c1. देन 4c1/10c1. ये सब व्हाइट चाहिए अपन को. कितना हो गया ये, 24/720. और ये कितना हो गया, 64/1000. ओके नेक्स्ट.
अब बैग में क्या है, फोर ब्लैक एंड टू व्हाइट, है ना, फोर ब्लैक एंड टू व्हाइट बॉल से ऑप्शन. चलो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताओ. फोर ब्लैक एंड टू व्हाइट, हाउ मेनी बॉल्स आर ड्रॉन, थ्री बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन. रितिका का पहला आंसर आया आज. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल ब्लैक, सारे के सारे ब्लैक. डाउट्स मुझे सिर्फ केजल भेज रही है, आयुषा सॉल्व कर रही है क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन. हाँ करो 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 जल्दी. यस ऑल आर ब्लैक. कितने विड्रॉ किए अपन ने, तीन विड्रॉ किए है ना. तो पहले विड्रॉल में ब्लैक आएगा 4c1/6c1, ब्लैक आके ब्लैक निकाल के रख दिया. कितने बचे, 3c1/5c1 करेक्ट है ना. हाँ विदाउट कर रहे अपन इनटू, उस ब्लैक को भी साइड में रख दिया, दो ब्लैक हट गए तो कितने ब्लैक बचे, दो. सो 2c1/4c1 एंड विथ का क्या होगा, विथ का ब्लैक साइड में रख दिया 4c1/6c1, फिर से उसको अंदर रख दिया ब्लैक बॉल, बॉल को बैग में, बॉल को फिर से अंदर रख दिया तो नंबर अफेक्ट ही नहीं होगा बिल्कुल, है ना. विदाउट, विदाउट में क्या होता है, अपन उसको साइड में रखते हैं तो नंबर अफेक्ट करता है. ठीक है, तो कितना है, 24/120, 64/216, ठीक है ना. सेकेंड क्या बोला है उन्होंने, ऑल आर व्हाइट, तीन बॉल विड्रॉ किए एंड सारे के सारे व्हाइट है. With, without. चलो बताओ जल्दी आंसर. विथ का तो सिंपल, विथ में कुछ कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे बॉल उठाया फिर से रख दिया, तो तीन बॉल विड्रॉ किए ना अपन ने, तो विथ में क्या होगा, 2c1/6c1, फिर से बॉल विड्रॉ किया फिर से रख दिया, क्या हो जाएगा, फिर से 2c1/6c1, फिर से बॉल विड्रॉ किया फिर से रख दिया 2c1/6c1. क्या हुआ फिर ये 8/216, और विदाउट में क्या होगा फिर सीन, बॉल उठाया व्हाइट आया 2c1/6c1, तो यहाँ पे एक ही व्हाइट बॉल बचा, अब क्या होगा 1c1/5c1, वो भी हट गया, जीरो व्हाइट बॉल बचे, अब क्या होगा, जीरो. तीसरे विड्रॉल में व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है ना, जीरो प्रोबेबिलिटीज है. सो आंसर क्या होगा विदाउट का, जीरो, विद का 8/216. अंडरस्टूड. ओके नेक्स्ट. क्वेश्चन फोर, सॉरी थर्ड, ऑल आर ब्लैक. हाँ वो हो चुका है, वो नहीं करते, ऑल आर ब्लैक. क्वेश्चन नंबर फोर,
क्वेश्चन नंबर फोर में पहले क्वेश्चन सही से पढ़ा, क्या बोला उन्होंने, बॉक्स कंटेन्स सेवन रेड थ्री व्हाइट बॉल्स, इफ टू सिलेक्शंस आर कैरिड आउट ऑफ टू बॉल्स ईच। थोड़ा क्वेश्चन समझो और मुझे आंसर करने की कोशिश करो। आज भी सुबह दोनों थे ना इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। चलो, टू सिलेक्शंस आर कैरिड आउट ऑफ टू बॉल्स ईच। कौन से क्वेश्चन की, ऑल आर रेड की बात कर रही है? पहला क्वेश्चन इज ऑल आर रेड, ऑल आर रेड ना। पहले मुझे बताओ टोटल बॉल उठाए कितने, फोर। करेक्ट, दो सिलेक्शंस कैरी आउट किए ना अपन ने, दो सिलेक्शंस कैरी आउट किए और एक सिलेक्शन में दो बॉल उठा रहे हैं अपन, ठीक है। ये बैग है जिसमें सेवन रेड है एंड थ्री व्हाइट है, हम एट अ टाइम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, दो सिलेक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम, कितने सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, दो बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो यस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर रेड, ऑल आर रेड। तो पहले विड्रॉल में सात में से दो रेड बॉल आएंगे अपॉन 10c2। टोटल सिलेक्शंस कितने होंगे दो बॉल्स के, 10c2, उसमें सात में से दो रेड बॉल आएंगे, ओके, इनटू ये विथ की बात कर रहे हैं अपन, विथ रिप्लेसमेंट। तो मतलब दो उठाए फिर से रख दिए, दो उठाए एंड फिर से रख दिए। अब फिर से दूसरे सिलेक्शन में दो रेड बॉल्स आएंगे, 4c2 अपॉन 10c2, ठीक है। तो कितना हुआ फिर ये, 7c2 इज व्हाट, 7 × 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 × 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 × 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 × 9 upon 2 factorial. So this and this will go, this and this will go. So kitna aaya, 3 2s are, 3 3s are, 2 1s are, 2 5s are, 3 2s are, 3 3s are, 2 1s are, 2 5s are. So 7 7s are 49, 15 15s are 225. Ye tha with replacement. Okay. Ab without ke case mein kya hoga? विदाउट रिप्लेसमेंट में दो रेड बॉल्स उठा के अपन बाहर रख देंगे, सात रेड में से दो उठा के बाहर रख दिए। अब बचे कितने अपने पास, पांच, पांच में से फिर से दो उठाएंगे और टोटल कितने बचे अपने पास, एट, एट सिक्स है ना। तो कितना हो फिर ये, 7 × 6 अपॉन 10 × 9, 5 × 4 अपॉन 8 × 7। थोड़ा शॉर्टकट लगाना सीख लो, 4 1s are 4 2s are, 5 1s are 5 2s are, 2 1s are 2 3s are, 3 1s are 3 3s are। कितना है फिर ये, 7/42 ना, एक मिनट, 7 7 भी निकल जाएंगे, सो इट्स 1/6 फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो, तो बोलो 1/6 एंड 49/225। ऑल आर वाइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर वाइट। चलो बताओ इसका आंसर, 7 रेड एंड 3 व्हाइट। इसका आंसर बताओ विथ एंड विदाउट,
Yes. So width is what? सबके सब white चाहिए ना अपन को दोनों withdrawals में. So 3c2 upon 10c2 into ball बाहर निकाल के फिर से bag में रख दिए. तो फिर से 3c2 upon 10c2. Okay. Next. Without में ball बाहर निकाल के रख दिए. अब एक ही बॉल बचा ना वाइट, तो जीरो होगा दो विड्रॉल का पॉसिबिलिटी, है ना. दो वाइट आने का पॉसिबिलिटी जीरो होगा क्योंकि एक ही वाइट बचेगा. तो क्या हो गया फिर ये विदाउट विथ का कितना आया 3 into 2 3 1 3 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3
चलो ट्राई टू सॉल्व इट. same question is same, two selection and number of balls same question mein sub question hai. two balls in each selection. So with mein kya hoga, first two white matlab 3c2 upon 10c2 एंड दूसरे दो रेड चाहिए अपन को 7c2 अपॉन 10c2. ओके तो कितना हुआ फिर ये 3 × 2 अपॉन 10 × 9, 7 × 6 अपॉन 10 × 9 कितना आया फिर ये 3 और 3 गया ना मतलब 14/450 करेक्ट. इससे क्या हुआ वो भी एनीवेज कट हो जाएंगे ना वो देखो कैसे समझ गई ना 3 × 2 अपॉन 2 × 10 × 9 अपॉन 2 × 7 × 6 अपॉन 2 × 10 × 9 अपॉन 2 × तो एनीवेज वो निकलने वाले क्यों लिखने का. ओके तो ये कैलकुलेट करो फ्रैक्शन क्या आता है फिर वैसे तो डेसिमल में फाइंड आउट करना रहता तुम लोगों को कुछ नहीं 3 × 2 × 7 × 6 ÷ 10 ÷ 9 ÷ 10 ÷ 9 तो आई एम गेटिंग इट 0.031 करेक्ट. एनीवेज आंसर डेसिमल में होगा या फ्रैक्शन में होगा डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शंस यू हैव टू डू दैट. अब विदाउट में क्या होगा पहले दो व्हाइट निकाल के रख दिया अपन ने है ना दो व्हाइट निकाल के रख दिए फिर दो व्हाइट निकाल के रख दिए अब दो रेड निकाल के रखेंगे मतलब 7c2 अपॉन 8c2 डन. यस कितना आता फिर ये 3 × 2 अपॉन 10 × 9 into 7 × 6 upon 8 × 7 तो कितना हुआ फिर ये
टू वन जा टू फाइव जा थ्री वन जा थ्री थ्री जा टू थ्री जा टू फोर जा सेवन सेवन विल गो थ्री थ्री विल गो वन बाय फाइव. वन बाय फाइव आ रहा है ना, कितना आ रहा है? वन बाय ट्वेंटी. वन बाय ट्वेंटी फिर जीरो पॉइंट जीरो फाइव डन. ओके स्टार्ट हो तो बोलो. क्वेश्चन नंबर फाइव करें. क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव में बताओ. व्हाट इज गिवन टू यू? ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन सेकंड कार्ड इज ड्रॉन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर क्वींस विदाउट रिप्लेसमेंट? बोथ द कार्ड्स आर क्वींस. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर व्हाट? Cards are queens. चलो आया आंसर. फ्रैक्शन कितना आया? करेक्ट 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 करेक्ट. संतोष को ऑनलाइन में ज्यादा दिमाग चल रहा है क्या? बहुत आंसर दे रहा है वो. कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. तो और दूसरा कार्ड भी ड्रॉ किया, मतलब वन बाय वन सिलेक्शन बेसिकली. पहले दो स्टेटमेंट हमें ये बताते हैं कि वन बाय वन सिलेक्शन है. फिर उन्होंने बोला है कि दोनों कार्ड्स क्या होने चाहिए? क्वीन होने चाहिए. दोनों कार्ड्स क्या होने चाहिए? क्वींस होने चाहिए. तो अगर दोनों कार्ड्स क्वींस होने चाहिए तो यस, फिर कैसे होगा? फिर ये करेक्ट. टोटल क्वींस कितने होते हैं अपने पास? चार क्वींस होते हैं ना. सो फोर क्वींस आर देयर. ओके सो फोर सी वन अपॉन 52 C 1. प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे? कार्ड निकाल के साइड में रख दिया. अब तीन क्वींस बचे. 3 C 1 अपॉन 51 C 1. सो 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51. 12 4 1 जा 4 1 जा 4 3 जा. सो 3 अपॉन और 3 से भी कैंसिलेशन हो जाएंगे. 3 1 जा 3 1 जा एंड 37 जा. सो 39 17 ना. सो 1 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 17. सो इट्स 0.004. ठीक है, इजी है यार. नेक्स्ट, टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. What is probability of getting both black cards, one ace and one jack, both queens? चलो कोशिश करें. उसका जो सेकंड सब पार्ट है वन एस एंड वन जैक, वो ऑर्डर नहीं है ना?
नहीं ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड बोला तो ही ऑर्डर देखने का। If two cards are drawn one by one from the pack of 52 playing cards, what is probability of getting both black cards? Okay, both black cards. So question number six. Both black cards. So क्या होगा फिर विद एंड विदाउट? तो दोनों ब्लैक कार्ड्स चाहिए अपन को। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26। सो 26 सी वन अपॉन 52 सी वन इनटू फिर से 26 सी वन एंड 52 सी वन, है ना? सही है ना, विथ रिप्लेसमेंट। और विदाउट में क्या होगा? 26 C1 upon 52 C1 into 26 में से एक उठा के अपन ने साइड में रख दिया, तो कितना बचा फिर? 25 25 C1 52 में से भी कितने बचे? 51 C1 understood? तो कितना आता फिर ये? ठीक है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, रहने कैलकुलेशन, बड़े बड़े नंबर से टाइम जाता है फास्ट फालतू। वैसे इतना भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, 26 टू जा 52 सो इट्स 1 by 2 1 by 2 1 by 4 एंड यहाँ पे भी हाँ, तो ये ठीक है। सेकेंड वन एस एंड वन जैक, बताओ वन एस एंड वन जैक। फर्स्ट सेकेंड कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो ऑर्डर डजंट मैटर। तो कैसे होगा फिर ये? पहला एस आया, दूसरा जैक आया, या फिर पहला जैक आया दूसरा एस आया? तो विथ एंड विदाउट। संतोष तूने किसका आंसर बताया? सेकेंड का आंसर बताया क्या तूने? सही है। विथ का क्या होगा? एसेस कितने होते हैं? चार। जैक कितने होते हैं? चार। सो पहला एस आया, टोटल हाउ मेनी? 52 में से। दूसरा जैक आया, एस को उठा के फिर से पैक में रख दिया, तो जैक आने की क्या पॉसिबिलिटी है? 4C1, टोटल नंबर अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने कार्ड को उठा के फिर से पैक में रख दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज व्हाट? 52 ओनली। यहाँ पे पहला जैक आया, पहला जैक आया, दूसरा सॉरी उसके बाद 52 C1 इंटू दूसरा एस आया ना, तो क्या हो जाएगा फिर? 4C1 अपॉन 52 C1 कितना आता है फिर ये? 16 अपॉन 52 16 अपॉन 52 मतलब 32 अपॉन 52 सॉरी 52 इंटू 52 पहले देखना पड़ेगा। इट्स 274 डिवाइड इक्वल टू एंड ये 32 हो गया ना, सो इट्स 0. कुछ अलग आ रहा है 16. उसने एक ही टर्म का दिया क्या आंसर? संतोष फिर गलती करती तूने। हाँ सही है ना, फिर 0.011 नहीं बताता। ओके एंड विदाउट में 4C1 अपॉन 52 C1। दूसरा जैक चाहिए अपन को, एस को अपन ने निकाल के साइड में रख दिया, टोटल नंबर ऑफ जैक्स कितने रहेंगे? 4C1 ही रहेंगे ना, क्योंकि एस को निकाला है हमने, जैक को थोड़ी ना निकाला है। तो लेकिन 52 वैसे कम हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे अभी कार्ड्स, या फिर 4C1 पहला जैक आया 52 C1 इनटू दूसरा एस आया 4C1 51 C1।
तो फिर से कितना आता है 52 into 51, which is that? Divide equal to ये 32, 0.012, almost same ही probability दोनों की, with and without one, ज़्यादा कोई difference नहीं है. Next, both queens. Both queens. ओके 0.0059 0.0045 आ रहा है. बोथ क्वींस, क्वींस कितने होते हैं टोटल अपने पास, चार. सो 4c1 अपॉन 52c1 इनटू 4c1 अपॉन 52c1 क्या है ये विड्थ, 52 इनटू 52 डिवाइड इक्वल टू इनटू 16 0.0059. विदाउट में क्या होगा, व्हाट वुड बी फॉर विदाउट, फोर सी वन अपॉन 52c1 इंटू एक कम हो जाएगा 3c1 अपॉन 51c1. सो ये आता कितना है, 13 इंटू 17 बेसिकली जो भी आएगा उसका डिवाइड इक्वल टू मतलब 0.0045. All right. कुछ प्रॉब्लम है, आसान है यार, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. नेक्स्ट क्या है अपने पास, फोर कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 सच दैट टू सिलेक्शंस ऑफ टू ईच इज डन. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट टू आर स्पेड्स एंड नेक्स्ट टू आर हार्ट्स. Yes, two selections of two balls each, ना? तो पहले तो क्या चाहिए अपन को, स्पेड्स चाहिए ना, दूसरे को क्या चाहिए, हार्ट्स चाहिए. तो यस, विद एंड विदाउट दोनों निकाल के, जब कुछ दिया नहीं है ना तो प्रैक्टिस के लिए मान के चलो कि मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि दोनों निकालना है अपन को. तो यस, पहले दो जो है वो स्पेड्स है, दूसरे दो जो है वो हार्ट्स है. तो कुछ स्पेड्स कितने होते हैं, 13 है ना. सो 13c2 अपॉन 52c2, दूसरे दो जो है वो क्या है, हार्ट्स है. 13c2 अपॉन 52c2 ये हो गया विद, और विदाउट का करेक्ट 50c2, बिकॉज स्पेड में से दो उठाए हैं, हार्ट को कोई अफेक्ट नहीं होगा, हार्ट के कार्ड जो है वो अफेक्ट नहीं होंगे. 13c2 स्पेड में से दो उठाए 52c2, दो उठा के साइड में रख दिए,
थर्टीन सी टू एंड बचे कितने 50. सो हाउ मच इज दिस 13 52 इंटू 52 डिवाइड इक्वल टू 13 इंटू 13 एक मिनट ये तो 1/16 आएगा सीधा सीधा ना सही है ना 1/16 13 4 52 होता है 0.0625 सही है कुछ गड़बड़ है क्या सॉरी इट्स नॉट सी वन इट्स सी टू ना 13 × 12 upon 52 × 51 13 × 1 = 13 और ये कितना था 4 × 3 = 7 17 ना 3 × 2 = 89 सो इट्स 0.0034 सर कैलकुलेशन और विदाउट में क्या होगा फिर व्हाट इट वुड बी विदाउट 2 × 51 13 × 12 15 × 49 13 × 1 × 13 × 4 × 1 × 4 × 3 × 3 × 9 × 4 × 3 × 9 × 4 × 2 × 6 × 2 × 2 × 6 so 78 divided by कुछ गड़बड़ हुआ क्या सॉरी हाँ 7 × 21 सो 78 / 17 / 25 / 49 सो इट 0.0037 ठीक है सो इजी है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है नेक्स्ट बैग कंटेन्स 8 रेड 5 व्हाइट बॉल्स 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 3 बॉल्स आर मेड मतलब कितने विड्रॉल्स हुए 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 3 बॉल्स पहले इसमें 3 दूसरे इसमें 3 विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 व्हाइट बॉल्स एंड सेकेंड विल प्रोड्यूस 3 व्हाइट बॉल्स 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 3 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट एक्चुअली ये गलत क्वेश्चन मॉड्यूल में शायद से इसका कुछ गलत दिया हुआ है आंसर ऐसा कुछ तो है शायद मॉड्यूल में कुछ तो गलत है इसका आंसर 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 3 बॉल्स मतलब वो एट अ टाइम 3 उठ रहा है ना थ्री बाय 143 आ रहा है ना वो कुछ तो मॉड्यूल में शायद से कुछ झोल है इसका मॉड्यूल में वो उन्होंने आंसर सही से दिया है सही
सेट सी का क्वेश्चन नंबर 8 है ये, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 8। तो जब भी सॉल्व करोगे तो शायद आंसर मैच नहीं होगा तुम्हारा। टू सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ थ्री बॉल्स, सो कितना होगा फिर ये देखो, 8 रेड है एंड 5 व्हाइट है। तो यस, टू सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ थ्री बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 व्हाइट बॉल्स एंड सेकेंड विल प्रोड्यूस 3 रेड बॉल्स। ओके, तो यस, फर्स्ट ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 व्हाइट बॉल्स, मतलब 5c3 अपॉन व्हाट, विदाउट बोला है, विद बोला है, क्या बोला, विदाउट, 5c3 अपॉन 13c3 है ना। एंड दूसरे विड्रॉल में कितने चाहिए अपन को, रेड चाहिए ना, सो 8c3 अपॉन 13 में से 3 गए 10c3, तो कितना है फिर ये, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल एनीवेज वो कट हो जाएगा। संतोष कुछ प्रॉब्लम है क्या, हैंड रेज आया है तेरा, 13 × 12 × 11 8 × 7 × 6 यस मैम, हाँ बोल रे, बोल 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 मैडम, इज आंसर 7/4 × 9। अच्छा ओके, एक मिनट रुक, अब बोल, हिज आंसर आया मैडम, बराबर आंसर 7/4 × 9। 7/4 × 29 कैसे आया रे, बराबर है, हाँ बराबर है मैडम, इसका आंसर, इसका आता है क्या कैलकुलेशन हाँ। करके हाँ आता है मैडम, हाँ तो फिर अच्छा तूने गलत आंसर दिया इस वजह से, या फिर तुझे ऐसे मूड क्या आ रहे बात करनी है मुझे अभी मैम से, इस वजह से तो नहीं एंट्रेंस किया तूने, नहीं नहीं मैडम आप बोले आंसर गलत, क्लास के लिए क्यों नहीं आता तू, मैडम बहुत प्रॉब्लम है, अच्छा एक्सरसाइज वगैरह शुरू किया शायद पहले तूने, फिर से इस वजह से नहीं आता होगा। चलो 10 × 9 × 8 सो 8 and 8 गया, तो 4 1s 4 3s 3 and 3 गया, 2 3s 2 5s 5 and 5 गया, 3 1s 3 3s तो 7 आया, और 11 × 13 × 3 करेक्ट, अरे आ रहा है इसका आंसर, फिर मुझे लगा था गलत है वो, लेकिन नहीं सही है, 7/4 × 29 इज द आंसर, रॉन्ग नहीं है, उन्होंने शायद मॉड्यूल में भी यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आई थॉट इट इज रॉन्ग, ओके संतोष वो एमपीएससी वालों को पढ़ाई करने दे, उधर बैठे बैठे उनको भी परेशान करेगा, खुद भी नहीं पढ़ेगा उनको भी नहीं पढ़ने देगा, मैडम खुद पढ़ता हूँ मैडम, चलो तेरी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे, उसके लिए क्लास में आना पड़ता है, परमिटेशन को हो गया मैडम, आयुष तुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसको भी, परमिटेशन को हो गए मैडम, अरे वाह क्या बात है, डाउट एक भी नहीं आया तुझे, आए मैडम बहुत आए, अरे तो भेजना, अपन थर्सडे को डिस्कशन करने वाले हैं, मेरे पास भेज के रख डाउट, ओके मैडम आज भेज के रखना, ठीक है फोटोज भेज देना, फोटोज उसके, a box contains 5 white and 7 black balls. Two successive draws of 3 balls are made with replacement, without replacement. Probability that first draw will produce white balls and second draw will produce black balls respectively. So similar question, batao chalo jaldi. आया क्या आंसर, यस बोलो बोलो जल्दी बोलो,
एक विड्रॉ में तीन बॉल्स निकल रहे बाहर, हमें क्या चाहिए, पहले व्हाइट चाहिए, दूसरे ब्लैक चाहिए। तो विथ में क्या होगा, पहले व्हाइट आएंगे, सॉरी 12, दूसरे ब्लैक आएंगे। नेक्स्ट विदाउट, विदाउट में क्या होगा, यस 5c3 अपॉन 12c3 इंटू 9c3। ओके सो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10 है ना, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10, 7 into 6 into 5 upon 9 into 8 into 7. तो कितना आया फिर ये? कितना नीचे कितना था डिनोमिनेटर, 12 into 11 into 10, ये डिनोमिनेटर कितना है, 1320 ना, सो 1320 है divided by 1320, so it comes out to be, अरे बड़ा है ये तो आंसर, 13200 है क्या वो, हाँ 13200 था, सॉरी, अरे नहीं नहीं वो कितना 0.9 समथिंग आ रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ है, फिट फिट मेरे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, 1320 का स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, डिवाइड इक्वल टू 5 equal to into 4 equal to into 3 equal to into 7 equal to 6 equal to into 5. 0.007 आ रहा है, 0.0072, और दूसरे का बता दो जल्दी कितना आता है विदाउट का, नहीं करना है क्या आयुषा, आयुषा को कंपनी नहीं है आज कोई, कल रितिका थी एटलीस्ट, आई गॉट डिफरेंट वन, तो गलती कर दी मैडम तुमने गलती कर दी आपने, कैलकुलेशन में कुछ नहीं किया मैंने, कैलकुलेशन में मैंने क्या किया, 5 into 4 into 3 into 7 into 6 into 5 divided by 12 divided by 11 divided by 10 divided by 12 divided by 11 divided by 10, that's all, कैलकुलेटर पे सब कुछ हो जाता है। देखो ये कैलकुलेशन कर रही हो, थोड़ा सुनो क्या कर रही हूँ मैं, 5 into 4 पूरा कैलकुलेटर पे into 3 into 7 into 6 into 5 equal to divided by 12 divided by 11 divided by 10 divided by 9 divided by 8 divided by 7 equal to, it comes out to be 0.0189. अभी सब लोग ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज करने लगे क्या मैसेज, शशांक कभी नहीं करता था, चलो डन, तो पूरा कैलकुलेटर पे करो, कैलकुलेशन पे पहले न्यूमरेटर कैलकुलेट किया फिर डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया, प्यार से ऐसे मत करो बिल्कुल भी, प्रॉपरली पूरा कैलकुलेटर पे करो, वो इतना आराम आराम से सॉल्व करोगे तो पेपर कैसे कवर होगा, ठीक है। सो उन्होंने फ्रैक्शन में दिया है, चेक इट आउट, 7 बाय कितना दिया है उन्होंने, 7 डिवाइडेड बाय 968, ये कितना आता है, सेम आता है 0.0072, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, 5 डिवाइडेड बाय 264, ये कितना आता है 0.018, ये आता है आंसर, ठीक है, डन, अंडरस्टूड, यस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, ओके
Students of group A has two boys and one girl. And group B has two boys, two girls. A student is selected from each group. What is probability of getting both boys? कैसे करोगे इसको सॉल्व? सोचो. सब टाइप थ्री. ये जो सब टाइप लिखा हुआ है ना, ये सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं. उनका कलेक्शन मैंने अलग से किया है, ठीक है? इसलिए उनको सब टाइप लिखा हुआ है अपन ने. सो यस, टेल मी. हाँ, इवेंट इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया. बताओ, ग्रुप वन से सिलेक्शन होगा और ग्रुप टू से सिलेक्शन होगा. इंडिपेंडेंट होंगे डेफिनेटली. वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन. मतलब दिमाग चल रहा है. गुड. करेक्ट, वेरी गुड. यस, क्या बोला उन्होंने? वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप. इट मींस व्हाट? इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. ओके, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप. दैट मींस व्हाट? इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. इवेंट्स इंडिपेंडेंट है मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? सो पहले ग्रुप से भी बॉय आना चाहिए एंड दूसरे ग्रुप से भी बॉय आना चाहिए. तो पहले ग्रुप में क्या है? दो लड़के एक लड़की. सो क्या पॉसिबिलिटी है बॉय आने की? 2C1/3C1. इंटू मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 के क्या क्यों किया मैंने? बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. Probability of B2, group 2 has two boys and two girls. So two boys मतलब दोनों में से कोई तो भी एक आएगा and two girls मतलब चार में से कोई तो भी एक आएगा. Okay, तो कितना हो गया फिर ये? 2 × 2 / 3 × 4. 4 and 4 will go. So what is left? 1/3. ठीक है. Understood. Okay. Next question. Box A contains 3 yellow and 4 green balls. Box B contains 5 yellow and 2 green balls. Box C contains 2 yellow and 2 green balls. What is probability that? अच्छा, okay. कितने withdraw किए? नहीं दिया क्या अपन ने? हाँ, 3 ही withdraw किए होंगे. 3 balls are withdrawn. Correction कर दो वहाँ पे. 3 balls are withdrawn. Okay. 3 balls are withdrawn. Or else, ऐसे दिखो, a ball is withdrawn from each box. That is important. A ball is withdrawn. From each box. Correct it. Okay? Ball is withdrawn from each box. What is probability that all are yellow, all are green, 2 are yellow and 1 is green? All are yellow.
ओके 15 बाय करेक्ट ओके 16 बाय 343 वो कुछ गड़बड़ हो गया फिर शायद यहाँ पे विथ विदाउट का सवाल ही नहीं उठता ना सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे विथ विदाउट का तीन अलग अलग बॉक्सेस है तीनों में से एक एक उठाना है दैट्स ऑल ओके तीन अलग अलग बॉक्सेस है तीनों में से एक एक उठाना है सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट क्या क्या है अपने पास बॉक्स ए में क्या है थ्री येलो फोर ग्रीन बॉक्स बी में क्या है पांच येलो दो ग्रीन एंड इफ इट वेर मोर देन वन हाँ मतलब एक बॉक्स में से अगर एक से ज्यादा उठाते हो तो वो क्वेश्चन आना चाहिए ना एक बॉल में एक बॉक्स में से एक ही उठा रहे हो तो वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं पिक्चर में ठीक है सो फर्स्ट इज ऑल आर येलो मतलब क्या हो जाएगा फिर यस 3C1 1 7C1 इंटू 5C1 अपॉन 7C1 इंटू 2C1 अपॉन 4C1 कितना है 3 × 5 × 2 अपॉन 196 ना सो हाउ मच इज दिस 15/98 ओके नेक्स्ट ऑल आर ग्रीन ऑल आर ग्रीन तो क्या होगा फिर 4C1 upon 7C1 into 2C1 upon 7C1 into 2C1 upon 4C1 ठीक है तो क्या हो जाएगा फिर ये 196 एंड ऊपर क्या आ जाएगा 8 × 16 = 4 / 49 ठीक है ओके नेक्स्ट क्या है 2 are yellow and 1 is green करेक्ट 2 are yellow and 1 is green Two are yellow and one is green. 0.5 आ रहा है हाँ मतलब डिवाइडेड बाय करके आना चाहिए मेरे हिसाब से 4 4 4 भी नहीं तो दो येलो चाहिए एक ग्रीन चाहिए ना तो पहले बैग में से येलो आने की क्या पॉसिबिलिटी है 3C1 × 3C1 / 7C1 दूसरे बैग में से येलो आने की क्या पॉसिबिलिटी है 5C1 / 7C1 तीसरे में से ग्रीन मतलब 2C1 / 4C1 पहले में से ग्रीन सो 4C1 / 7C1 दूसरे में से येलो 5C1 / 7C1 थर्ड में से भी येलो मतलब 2C1 / 4C1 या फिर पहले में से येलो आया 3C1 / 7C1 दूसरे में से ग्रीन आया 2C1 / 7C1 एंड तीसरे में से क्या आया फिर से येलो आया 2C1 / 4C1 सही है ना
यस, तो कितना आएगा फिर ये 49 into 4, ये तो 196 ही आएगा. 15 2 30, दिस इज व्हाट 40 एंड दिस इज व्हाट 12. सो 70 plus 12, 82 upon 196. So it's 41 upon 88. So if you want to find out 41 upon 88, it comes out to be 0.465. Done. Okay. Next. Family has 3 men, 1 woman. Family B has 2 men and 2 women. Family C has 1 man, 1 man and 3 women. A person is selected from each family. A person, huh? मतलब एक ही person select हो रहा है. एक ही person select हो रहा है. ये जो 0.4183 कैसे आएगा यार? मैडम 196 है मैडम. क्या हो रहा है? 88 नहीं आता वो. 2 4s are 2 1s are 2 8s are 16 2 8s are 16 sorry 98 2 9s aayega ha 98 aayega. इसलिए बोल रही हूँ तू क्लास में रहे, क्लास में आ. मैडम आंसर दिया हूँ ना मैडम. तो फिर गलतियाँ क्यों होती है सबकी? इम्पोर्टेंट इंसान है तू, पता नहीं तुझे. चलो नेक्स्ट. Family A has 3 men and 1 woman. Family B mein 2 men and 2 women. C mein 1 man and 3 women. Person is selected from each family. What is probability of getting 2 men and 1 woman? 2 men and 1 woman. Same हो गया ना, वो yellow की तरह हो गया ना ये situation, है ना? Yellow and क्या था वो, black था शायद से. Yellow and green था, sorry. Yellow and green की तरह situation हो गया ये. Okay. तो हमें क्या चाहिए फिर? Yes, 2 men and 1 woman. Okay. Should we try to solve it? दो मेन चाहिए ना अपन को, तो यहां से 3c1 upon 4c1 into 1c, यहां से मेन आ गए. ओके, अब इनका और इनका लेते हैं, यहां से वुमन. तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3c1 upon 4c1 into 2c1 upon 4c1 into, यहां से एक मैन आए 1c1 upon 4c1. नेक्स्ट, इन दोनों में से यहाँ से वुमन आएगा, वुमन आएगी सॉरी 1c1 upon 4c1 into, यहाँ से मैन 2c1 upon 4c1 into, यहाँ से एक मैन 1c1 upon 4c1. कितना हुआ ये, 64 हो गया ना डिनोमिनेटर में. ये कितना हो गया फिर, 6 3s are 18, this is what 6, this is what 2. कितना आया ये, 28 26 26 upon 64 ना, यही आ रहा है ना, 13 आ रहा है क्या? नहीं, बराबर है मैडम, 26 सही है ना, बराबर है. सो 13 by 32, ठीक है ना. ओके,
एनी डाउट प्रॉब्लम आयुषा मैच नहीं कर रहा आंसर आयुषा आंसर मैच नहीं कर रहा है क्यों 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 हाँ 9/32 आ रहा है कुछ गड़बड़ हो गया होगा देख वो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है 3C1 2C1 करते करते एक्चुअली हो जाता है चलो नेक्स्ट A die is thrown and if number obtained is multiple of 2, what is probability that it is divisible by 3? What is probability that it is divisible by 3? क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मतलब conditional probability का question है ना? हमने ऐसा question किया था ना? If number is multiple of 3, what is probability that it is even number? किया था ना ये अपन ने solve ऐसा? ओके सो यस सब टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 इफ अ डाई इज थ्रोन इफ नंबर ऑब्टेंड इज मल्टीपल ऑफ 2 व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 3 तो फॉर्मूला लगाने से अच्छा व्हाट यू कैन डू इज नया सैंपल स्पेस बनाओ और फिर वो ज्यादा सही रहेगा ठीक है मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं इफ देन के फॉर्मेट में तब उस केस में डायरेक्टली अपना फॉर्मूला मत लगाओ मतलब नया सैंपल स्पेस वगैरह लेके करो सो सैंपल स्पेस क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 तो ये एस न्यू हो गया नया सैंपल स्पेस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 मतलब क्या आएगा 2 4 and 6 है ना अब that should be divisible by 3 तो ये हो गया मान के चलो तुम्हारा A event उसको कहाँ से उठाना है नए sample space में से ही उठाना है तो A में क्या आएगा फिर 6 n of A क्या हो गया 1 हो गया है ना और n of S new क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो P of A is what P of A is what? 1/3. S new मतलब basically क्या है? एक event है. Which is what? Multiple of 2. ये एक event है. और ये event जो है वो हो चुका है. On basis of that, I am finding out what probability. That is the case. Okay. B is an event. जो कि बता रही है कि हमें सिर्फ multiple of 2 numbers चाहिए. तो मैंने क्या किया? वहाँ से S new उठाया. S new is what? It is based on the given event. Okay, next. Two coins are tossed. Two coins are tossed. Sample space क्या होगा? HH, HT, TH, TT. अब क्या बोला उन्होंने? If first is tail, what is probability that second is head? तो क्या है condition? First So, S new क्या होगा फिर TH and TT है ना और हमारा event क्या है what is our event second should be head so what is probability of A such that B has already happened second is head इसमें सिर्फ क्या आएगा TH आएगा It is what? 1/2. Generally, लोग क्या लिखेंगे? 1/4. गलत है वो. Okay. Don't do that mistake. Next. Two coins are tossed if one of them is tail. Last question. Two coins are tossed if one of them is tail. क्योंकि आगे क्या अपन कल ही करेंगे? Yes. बताओ आंसर बताओ जल्दी. वन रितिका क्या हो गया वन ऑफ देम इज टेल व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अदर इज हेड वन कैसे आएगा एक केस जाएगा ना उसमें से ओके सो वन ऑफ देम इज टेल मतलब बोथ टेल हो सकते हैं ये दिमाग में रखो
So S is what? HH, HT, TH, TT. B kya hai? One of them is tail. So B mein kya aayega phir? HT, TH, TT. है ना, तो ए क्या बोला है उन्होंने, अदर इज हेड, तो ए में क्या होगा फिर एच टी पी एच, तो पी ऑफ ए स्लैश बी इज व्हाट 2/3. ओके, तो कल ऑनलाइन ही लेना है फिर. आयुषा, आयुषा को तो पूछूंगी ही नहीं मैं, आयुषा ऑफलाइन बोलेगी. तो कल मुझे एक्चुअली थोड़े सर से बात भी करनी है नए बैचेस के रिलेटेड, तो कल मैं वैसे भी आने वाली हूँ यहाँ पे, तो आयुषा को आना हो तो आयुषा आ सकती है. आई विल बी हियर ओनली, यहीं से लेक्चर लेंगे फिर कल के बाद. फिर संतोष जैसे चाहता है वैसे होगा. इतने दिन से संतोष के मन में रिग्रेट है कि मैं उधर से मेरे गाँव से आ गया यहाँ पे, है ना संतोष? अब तो और ज्यादा रिग्रेट होगा. आने के बाद भी घर में बैठा हूं मैं. ये ना रिग्रेट.